नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डॉक्टरों ने कहा नियमित दिनचर्या बढ़ाती है बीपी। जाम से निजात के लिए स्मार्ट सिटी में बनवे ट्रैफिक सिस्टम हुआ लागू। जानकारी के अभाव में पहले दिन लोग हुए परेशान। युवकों को धार देना, दुकानदार को पड़ा महंगा। नशेबाजों ने महिला दुकानदार के साथ की मारपीट। टिंडगा कहलगांव के बीच गंगा नदी में यात्रियों से भरे जहाज का इंजन हुआ फेल। लोगों में मची अफरा तफरी। और बरसात के पूर्व होगी हत्या नालों की सफाई। नगर आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व में उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। दरअसल हाइपरटेंशन से हर साल लाखों लोग पीड़ित होते हैं। इससे शरीर में कई और बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। इस वर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है अपने ब्लड प्रेशर को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे। डॉक्टरों ने कहा कि आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इधर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर भागलपुर IMA हॉल में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन IMA के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह, भागलपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर ओवेद अली और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि उच्च रक्तचाप साइलेंट किलर की तरह है, जिसको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मनीष कुमार ने जानकारी दी कि लोगों को हृदय रोग, पक्षाघात, न्यूरोपैथी, नेत्र एवं किडनी की गंभीर बीमारी से बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह पर उचित डोज पाली बीपी की दवा नियमित खानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि जब तक इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तब तक काफी लेट हो चुकी होती है। साथ ही कहा कि कुछ लोग जानकारी होने के बावजूद भी कम दवा का सेवन करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि ब्लड प्रेशर जांचने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने के फौरन बाद ब्लड प्रेशर नहीं मापना चाहिए, बल्कि 5 मिनट शांत बैठने के बाद ही 3 बार ब्लड प्रेशर मापना चाहिए। साथ ही जांच की जगह के आसपास शोरगुल नहीं होना चाहिए। बताया कि 3 बार की जांच के औसत को ही सही बीपी माना जाना चाहिए। मौके पर डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि हमारे देश में 33% पुरुष एवं 25% महिलाएं हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, जबकि 18 साल से ऊपर के नौजवान भी इस बीमारी की चपेट में हैं। डॉक्टर ने हाइपरटेंशन से बचाव के लिए लोगों को नमक का इस्तेमाल कम करने, सिगरेट एवं शराब का सेवन नहीं करने और अधिक वसा युक्त भोजन से बचने की सलाह दी। डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि बदलती जीवन शैली और खान पान में गड़बड़ी के कारण प्रतिदिन बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में करीब 40 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में हैं और 3 में 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने तनाव रहित जीवन जीने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विनय झा, डॉक्टर आशीष सिन्हा, सैयद जीजा हुसैन, विश्वजीत चौधरी समेत IMA और API से जुड़े कई चिकित्सक मौजूद थे। विश्व हाइपरटेंशन दिवस है, उच्च रक्तचाप दिवस। मैं डॉक्टर DP सिंह, आज के दिन हमारे IMA के द्वारा और API के द्वारा यह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति, ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता पैदा करना। आज हिंदुस्तान में हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है। आप सोच सकते हैं कि 135 करोड़ आबादी के लोग में 223 करोड़ लोग जो है ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और उसमें से लोगों को पता नहीं है 50% को, आधे लोगों को कि ब्लड प्रेशर है उनको। क्यों? क्योंकि यह साइलेंट किलर है, कोई तकलीफ़ ही नहीं देता। 95% में किसी को पता ही नहीं चलता है कि कोई तकलीफ़ है। तकलीफ़ नहीं है तो लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं कि हमें तो क्या करना है, क्यों मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्यों जो है मैं इलाज करवाऊंगा। तो ऐसे लोगों का जब हम लोग डॉक्टर लोग जाँच करते हैं, क्लिनिक में आते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, कहीं कैंप में देखते हैं, अरे आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, तो उस तरह से जो है, और इस बार का नारा है
ब्लड प्रेशर नापने में बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, हड़बड़ी में जांच नहीं करना चाहिए। भागलपुर शहर में आज से बनवे ट्रैफिक हो गया चालू। दोपहिया वाहन भी दायरे में बनवे ट्रैफिक को पालन कराने के लिए 13 पुलिस कर्मियों की तैनाती। शहर में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए मंगलवार से सैंडिस कंपाउंड के चारों ओर बनवे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। टेम्पो, ई रिक्शा समेत सभी तरह के 3 पहिया, 4 पहिया और उससे बड़े वाहनों को बनवे ट्रैफिक के तहत लाया गया है, लेकिन अब बाइक सवारों को भी इस नियम का पालन करना होगा। बनवे ट्रैफिक का पालन कराने के लिए मंगलवार को तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, घुरन पीर बाबा चौक और विशाल मेगा मार्ट के पास कुल 13 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने ट्रैफिक के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। 0 माइल चौक की ओर से आने वाली गाड़ियां तिलका मांझी चौक, पुलिस लाइन रोड, कचहरी चौक, घुरन पीर बाबा चौक होते हुए आगे जाएगी और वापसी मेडिकल कॉलेज रोड होकर होगी। देखिए, ये समस्या जो है इसके बारे में कई बार चर्चा हुई और बैठक भी हुई। जो शहर का जो ट्रैफिक है उसके जाम से निजात के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, तो हम लोग एक वर्क प्लान तैयार किए थे। उसमें स्पेशली पुलिस एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा जो है वन वे का एक प्लान तैयार करके और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी रखा गया, जिसको जो है किया गया है और आप देख भी रहे हैं। वो आज से जो है वो उसमें रूट चार्ट वगैरह तो सारा दिया गया है। जो सैंडिस कंपाउंड वाला है वो सैंडिस कंपाउंड की चारों तरफ आप जान ही रहे हैं, उसको वन वे किया गया है। फर्स्ट फेज वो है, सेकंड फेज उधर जाएगा, अनंत नगर की तरफ जा रहा है, तो वो चरणों में किया जा रहा है। अगर आपको पूरा प्रॉपर चाहिए तो हम लोग मैप भी आपको जो है दिलवा। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक दुकानदार से कुछ युवकों ने सिगरेट व अन्य सामान लिया, जिसे पैसे बाद में देने की बात कही, जिस पर दुकानदार ने कहा कि उधार नहीं देंगे। इस बात पर युवक भड़क गया और मारपीट पर उतारू हो गया। दुकानदार बबीता देवी ने कहा कि शाम 7 बजे के करीब अपने किराने की दुकान पर बैठी थी, तभी विशाल, छोटू, अजीत सभी घोसी टोला के रहने वाले हैं। इन सब ने उसकी दुकान पर आकर सिगरेट एवं अन्य सामान मांगा तो उसने दे दिया, लेकिन जब पैसा मांगने लगी तो चारों लड़कों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं जब बबीता ने इसका विरोध किया तो हाथ पकड़कर दुकान से बाहर खींच लिया और अभद्र व्यवहार करने लगा। इस बीच उसकी बेटी के साथ भी वह लोग गलत हरकत करने लगे। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, जिसके बाद चारों युवक भाग निकले। दुकानदार बबीता देवी ने मधुसूदनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। अरे वो आया राज निवास सिगरेट लेने, तो वही बोला कि पैसा दो, तो बोलता है कि अभी पैसा दीजिए, अभी दीजिएगा कि नहीं सिगरेट, तो बोले कि नहीं पहले पैसा दिए, कह कि अभी तुमको भी मारेंगे, बिक्की फैटर को भी मारेंगे। कहे कि काहे उक्की क्या, हाँ तो हम मारेंगे, कान मारेंगे, कान उधार दीजिएगा, दूसरे दिन देंगे, जो दिन पैसा होगा मन उस दिन देंगे। कौन कौन था? हम नाम नहीं जानते, वही कौन चीज नाम था, छोटू आर उक्के था। मारपीट भी किया? पिछले दिनों मनिहारी में हुए जहाज हादसे के बाद एक बार फिर तिनटंगा कहलगांव फेरी सेवा के गंगा नदी के बीच जहाज हादसा होने से बाल बाल बच गया। जहाज पर सवार यात्रियों द्वारा भागलपुर डीएम को इसकी सूचना दिए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आई और स्थानीय प्रशासन द्वारा 2 बड़ी नाव भेजकर जहाज पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तिनटंगा कहलगांव फेरी के तहत चलने वाला जहाज दोपहर के आसपास लगभग 200 यात्रियों के अलावे 25 की संख्या में मोटरसाइकिल को लाद कर कहलगांव घाट से तिनटंगा घाट के लिए चली। इस दौरान जैसे ही यात्रियों से भरी जहाज बीच नदी में पहुंची तो अत्यधिक भार के कारण जहाज का इंजन फेल कर गया। जहाज का इंजन फेल होते ही हवा के तेज झोंके के कारण जहाज अनियंत्रित होकर डगमगाने लगा। इस बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, मगर चालक दल के सदस्यों के द्वारा यात्रियों को धैर्य बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही थी। लगभग 4 बज जाने के बावजूद भी फेरी संचालक द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिसके बाद जहाज पर सवार एक यात्री ने नवगछे एसडीओ को फोन किया, लेकिन नवगछे एसडीओ ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे डीएम को फोन लगाया और घटना की जानकारी दी। डीएम को जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन हरकत में आई और गोपालपुर सीओ एवं भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के संयुक्त प्रयास से 2 बड़ी नाव को जहाज के निकट भेजा गया और यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद फेरी संचालक घाट छोड़कर फरार हो गए। इस तरह एक बार फिर जहाज हादसा होने से बच गया। मैंने पुनः नवगछिया एसडीएम को फ़ोन किया, रिंग पूरा बजा, लेकिन सर ने नहीं कॉल रिसीव किया। उसके बाद फिर आधा घंटा समय जब बीता तो जब हम लोग देख लिए कोई चारा नहीं है, शाम होने वाली है और मौसम जो है वो भी ख़राब होने वाली थी और हवा का झोंका बहुत चल रहा था, जहाज एकदम ज्यों की त्यों बीच गंगा में जो है टिका हुआ था। डीएम साहब को मैंने
अंतिम आशा लगाकर डीएम साहब को, सुब्रत साहब को मैंने फ़ोन किया। सर ने तुरंत फ़ोन तो रिसीव नहीं किए, लेकिन 5 मिनट बाद सर का फ़ोन आया। मुझसे पूछा गया क्या बात है, मैंने सारी घटना सर को बताया और डीएम सर और फिर जो है बीजेपी के नौगछिया जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जी को भी मैंने फ़ोन किया। तो विनोद कुमार मंडल जी ने कहा कि मैंने BDO गोपालपुर को सूचना दी है, एक नाव जा रही है। तो नाव जो है विनोद जी के कहने पर आधा घंटा के बाद वहां पहुंचा। फिर जो है डीएम सर और गोपालपुर प्रशासन और जिलाध्यक्ष विनोद जी के हस्तक्षेप से जो है कि दो बड़ी बड़ी नाव जो है जहाज के पास पहुंची। नाला उड़ाही को लेकर भागलपुर नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त योगेश सागर के नेतृत्व में निगम कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं इस दौरान नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में 22 बड़े हथियार नाला है। उन 22 हथियार नालों की उड़ाई के लिए टेंडर किया गया था, जिनमें 9 नालों का किसी तकनीकी कारण से टेंडर नहीं हो सका। बाकी 13 नालों में 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान जिन नालों का उड़ाही का कार्य नहीं हुआ है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्य जो उसमें बिंदु है वही यही है कि हम लोगों के जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत 22 बड़े हथिया नाला हैं, और उन 22 बड़े हथिया नालों को काफ़ी लंबे समय के बाद ही जो है नाला उड़ाई कराने के लिए कुछ समय पूर्व उनका टेंडर वगैरह कराया गया था। उसमें 9 नालों का जो है कार्य नहीं हो पाया था, किसी तकनीकी कारणवश वो टेंडर जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया। बाकी 13 नालों में, लगभग सभी नालों में 80% कार्य पूर्ण है, कुछ नालों में कार्य पूर्ण भी हो चुका है, और जिन नालों का कार्य अभी सफाई का उड़ाई का पूर्ण नहीं हुआ है उनको निर्देशित किया गया है कि विदिन 1 वीक जो है 1 सप्ताह के अंदर वो काम समाप्त करेंगे। हम लोग अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उसका सत्यापन करा के उसका जांच प्रतिवेदन हम लोग जो है उसे मांगने के लिए निर्देशित किए। मधेपुरा के BN मंडल यूनिवर्सिटी कैंपस में उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब कैंपस के लोगों ने एक मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद चोर की जमकर लात घूसों से पिटाई करने लगे। इस बीच भीड़ में कुछ लोगों ने चोर की पिटाई का वीडियो भी बना लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इन दिनों लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना से सभी परेशान हैं। वहीं दिन दहाड़े कैंपस में बाइक चोरी कर रहे इस चोर पर लोगों ने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। इधर परिसर में तैनात होमगार्ड के जवानों ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताइए क्या घटना हुआ अभी? सर पश्चिम तरफ से, उधर से बासा तरफ से पकड़ के जितना है ना जनता लाया हमारे कैंप के पास, यही पर मारपीट किया, बस हो गया, इतनी बात है, और ज्यादा बात नहीं है। कौन मारा है? पब्लिक के सब सर मारा, मार के उधर लाया है। क्यों? चोरी कर रहा था मोटरसाइकिल, हम तो नहीं मोटरसाइकिल के खोल खाल कर रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग तो यहाँ कैंप में है सर, यहीं पर कैंप है, हला करके यहाँ पर लाया था हम लोग, यहाँ पर देखे थे, थाना फोन किए थे, पकड़ के ले गया। बिहार झारखंड बॉर्डर गोखला मिशन के पास भगैया की ओर से आ रहे पिकअप को ईशीपुर पुलिस ने जांच के लिए रोका और तलाशी के दौरान पिकअप से 1597 लीटर शराब बरामद की गई। ईशीपुर पुलिस ने बताया कि शराब देवघर से साहिबगंज ले जाया जा रहा था, संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 199 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। मौके से चालक संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है। पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है। बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्र
छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने चकला श्रीपुर रोड में ट्राइबर रिनॉल्ट कार की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। मामले की जानकारी सोमवार को थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर चकला श्रीपुर रोड के समीप तलाशी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि तस्करों के पास से 39,700 रुपये एवं 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जबकि कार से रॉयल फ्लेयर 750 ml का 12 बोतल, 350 ml का 96 बोतल एवं 180 ml का 44 बोतल शराब बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार शराब तस्करों का इतिहास खंगाला जा रहा है। छापेमारी में थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, रवीश कुमार, अखिलेश कुमार सहित कई पुलिस बल मौजूद थे। देखिए, शराब के विरुद्ध लगातार मधेपुरा पुलिस की कार्रवाई जारी है और लगातार हम लोग पकड़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में कल मध्यरात्रि में मधेपुरा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग हैं शराब की एक बड़ी खेप ला रहे हैं। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर सब थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक घेराबंदी किया श्रीपुर चकला रोड में और वहाँ से एक रिनॉल्ट कार तलाशी लिया गया, जिसमें से 8 कार्टून शराब और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के अकवानगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर घायल मुरलीधर पोद्दार ने बताया कि वर्ष 2007 में उन्होंने गुरुदेव शाह से जमीन खरीदी थी, जिस पर वह 15 वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार की सुबह वह रशीदपुर स्थित खाद की दुकान पर बैठे थे, तभी गाँव के जितेंद्र शाह और जनार्दन शाह ने उसकी जमीन को अपना बता कर मारपीट शुरू कर दी। वह इसका विरोध करने पर दोनों ने तलवार से हमला कर दिया। इधर मामले को लेकर अकबरनगर पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पर बैठे हुए थे, बाप बेटा आया, बाप के हाथ में तलवार और बेटा के हाथ में पर्चा, आकर के कुछ बोलना चलना और चलाना शुरू कर दिया। उसकी बेटी ब्याही भी है वो और उसका करियर। मुरलीगंज सीमा से सटे मिर्चाई बाड़ी चौक के समीप बनमनखी से मवेशी बेचकर लौट रहे व्यापारियों से दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर मवेशी बेचकर लौट रहे मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के तिलकोर निवासी चालक ने बताया कि वह बनमनखी हटिया से मवेशी बेचकर लौट रहे थे। इस दौरान मिर्चाई बाड़ी चौक के समीप दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद अपराधियों ने गोली चला दी जो ड्राइवर के पैर में जा लगी। तभी गाड़ी के पास पहुंचे अपराधियों ने ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए 80,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद घायल चालक अपने 3 साथियों के साथ किसी तरह इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उसे मधेपुरा रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। दिन प्रतिदिन अपराध चरम सीमा पर है। व्यापारी हो या आम लोग, अपराधियों की बंदूक की नोक पर अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। अरे माता जी, रोको बीच में, सर में रोको, सर में रोक लिए। सब आदमी रहते हैं, कोई आदमी भाप नहीं उठे, गोली चल बुला ले। दो फायर तो एक फायर लग गया गाड़ी में, एक फायर जंग में लग गया। सब पैसा पैसा सब मोबाइलों छीन लग गया, पैसों छीन लग गया, 80,000 टका रहे। आब रही है घर, आब रही है बनमनखी से 80,000 रहे
सुपौल जिला के त्रिवेणी गंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के बघैली चौक समीप सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग NH 327E के किनारे बनी दुकान में जमीन विवाद को लेकर ज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। घटना को लेकर पीड़िता ने बताया कि सड़क किनारे पिछले कई वर्षों से दुकान लगाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने जमीन विवाद को लेकर दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। वहीं घटनास्थल से शराब की बोतल और मिट्टी तेल का गैलन भी बरामद किया गया है। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि आवेदन मिला है, जिसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना लाजमी होगा कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या फिर ऐसे ही गरीब लोगों पर आए दिन अत्याचार होता रहेगा। लगल के मट्टी के तेल छीट के आग लगल के दारू पी के आग लगल के बोतल भी राखल रहे सीसी के थाना ले गए बोतल उठा थाना पे गए थे। हाँ थाना पे गलिया आवेदन डालिए तो थाना प्रभारी क्या बोले कल के हम भ गला या जा सरार के नहीं दलके हमरा गिरफ्तार यार हुआ। सहरसा के भीरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि भीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खोनहा गांव में ट्रैक्टर चालक बबलू यादव पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जख्मी बबलू यादव को आनन फानन में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। फिलहाल गोली किसने और क्यों चलाई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गोलीबारी की जानकारी मिलते ही भीरा थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस गोलीबारी की घटना का कारण जानने का प्रयास कर रही है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव पंचायत के बाद गांव में भागवत कथा को लेकर आज कैवीनाथ धाम उत्तर वाहिनी गंगा घाट से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि 17 मई से 24 मई तक बाद गाँव के सिवेश्वर मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। भागवत कथा में वृंदावन से आई कथा वाचिका किंकरी किशोरी जी के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। इसको लेकर कैवीनाथ धाम से बात गांव तक कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में गांव की महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर पैदल कथा स्थल पहुंची। कलश शोभा यात्रा ढोल बाजा एवं घोड़ा के साथ निकाली गई। मौके पर मुकेश पासवान, लखन पांडे, गुंजन कुमार, रंजीत यादव सहित कई ग्रामीण एवं महिला मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डॉक्टरों ने कहा नियमित दिनचर्या बढ़ाती है बीपी। जाम से निजात के लिए स्मार्ट सिटी में बनवे ट्रैफिक सिस्टम हुआ लागू, जानकारी के अभाव में पहले दिन लोग हुए परेशान। युवकों को उधार देना, दुकानदार को पड़ा महंगा, नशेबाजों ने महिला दुकानदार के साथ की मारपीट। तिंडगा खरगोन के बीच गंगा नदी में यात्रियों से भरे जहाज का इंजन हुआ फेल, लोगों में मची अफरा तफरी। और बरसात के पूर्व होगी हत्या नालों की सफाई, नगर आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।